नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के भाई और खिवसर विधायक नारायण बेनीवाल को सोपू गैंग के नाम से जान से मारने की धमकी भरा पत्र भेजा गया। तो कौन है ये गैंग और आखिर इस पत्र के पीछे का मामला क्या है, या फिर किसी और गैंग का हाथ है? इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की अलग अलग टीमें गठित कर जांच की जा रही है। हाल ही में खिवसर विधायक नारायण बेनीवाल की जयपुर से पहले उनकी गाड़ी चोरी होती है, फिर गाड़ी जोधपुर के बोरुंदा के पास लावारिस हालत में मिलती है और गाड़ी में रखा खिवसर विधायक नारायण बेनीवाल का मोबाइल भी गायब मिलता है। इसके दो दिन बाद खिवसर विधायक नारायण बेनीवाल के नागौर निवास पर एक धमकी भरा पत्र मिलता है, जिसमें लिखा होता है, मिस्टर बेनीवाल, जब से गाड़ी चोरी हुई है उसी दिन से तेरा उल्टा समय चालू हो गया है। अब अगर बच सको तो बच लेना, जल्द ही काम तमाम करेंगे। देखते हैं अब कितने दिन तुम अपनी और अपने परिवार की हिफाजत कर पाते हो। और नीचे लिखा था, जय सोपू। मामले की जानकारी मिलते ही नागौर पुलिस अधीक्षक राम मूर्ति जोशी ने खिवसर विधायक नारायण बेनीवाल की सुरक्षा भी बढ़ा दी और आसपास के 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए। लेकिन 6 दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक पुलिस धमकी भरा पत्र भेजने वाले तक नहीं पहुंच पाई है। कहा जा रहा है कि जय सोपू का लिंक लॉरेंस बिश्नोई की गैंग से है। ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही एक संगठन है। एक सप्ताह पहले उनकी गाड़ी चोरी होना और फिर धमकी भरा पत्र मिलना सियासी हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। सोपू गैंग का सरगना गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई है। राजस्थान का गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई अंतर्राज्यीय वारदातों को अपने नेटवर्क से अंजाम देता है। सलमान खान की हत्या की सुपारी देकर लॉरेंस ने बॉलीवुड को भी टारगेट किया था। अभी हाल ही में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में लॉरेंस का हाथ बताया जा रहा है। सूत्र ये भी कहते हैं कि मूसेवाला की हत्या का प्लान कनाडा में बैठे बदमाश गोल्डी बराड़ ने किया था, जिसे अंजाम तक दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस ने अपने नेटवर्क से पहुंचाया। वहीं अब नागौर पुलिस भी खिवसर विधायक नारायण बेनीवाल को धमकी भेजने वाली सोपू गैंग की तलाश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।